सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में द लॉन्गेस्ट वर्ड इन ए स्ट्रिंग यानी जो स्ट्रिंग में सबसे बड़ा वर्ड है उसका लेंथ प्रिंट करना देखेंगे या हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर स्ट्रिंग के बड़े वर्ड को भी प्रिंट करना देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो लॉजिक बनाना होगा किस लॉजिक पे हम प्रोग्राम को करेंगे। तो सिंपल आप समझिए, सबसे पहले आप सिंपल एग्जांपल से समझिए। यहाँ हेलो, हाउ आर यू, कंप्यूटर रिवाइवल, इसमें सबसे बड़ा जो वर्ड है वो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में 8 वर्ड 8 कैरेक्टर है और रिवाइवल में आपका 7 कैरेक्टर है, यानी सबसे बड़ा जो वर्ड है वो रिवाइवल है। तो यहाँ हमें प्रिंट करना होगा रिवाइवल कंप्यूटर को, और उसका लेंथ हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो होगा 8। क्लियर? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल लॉजिक से समझिए। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को काउंट करेंगे और किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। कैसे, कब तक काउंट करेंगे, जब तक कि स्पेस नहीं आता है। क्लियर? अब स्पेस नहीं आता है तब तक हम काउंट किए, जैसे ही स्पेस आता है हम क्या करेंगे, जो काउंटिंग है वेरिएबल का या जो स्ट्रिंग हम काउंट ऐड कर रहे हैं जिस स्ट्रिंग में, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। किस कंडीशन में, तो एक वेरिएबल रख के सिंपल कंपेयर कर लेंगे हम। जो मान लीजिए हेलो, हेलो का कितना आएगा 5 और हाई का आएगा, हाउ का आएगा आपका 3। कंपेयर करेंगे हेलो और हाउ, हेलो के 5 को हम स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में और हाउ का क्या हो जाएगा 3 आएगा। तो हम कंपेयर करेंगे उस वेरिएबल से हाउ को, अगर हाउ मेरा हाउ का जो लेंथ है अगर बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे हाउ के लेंथ को और व्हाट हाउ को स्टोर करेंगे यहां। अगर नहीं है तो देन ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जब जैसे ही मेरा कंप्यूटर पे आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्यूटर मेरा स्टोर होगा और लेंथ इसका 8 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रोग्राम बनेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम पे आते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। हमें स्ट्रिंग लेना होगा, तो स्ट्रिंग हम डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग str दे दिए और हम st एक डिक्लेयर करते हैं और एक ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, सबका हम समझेंगे किस लिए, और सबको हम ब्लैंक दे देते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिए। स्ट्रिंग हम इनपुट करवाएंगे str को, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को मैसेज देते हैं, तो cout enter string, स्ट्रिंग को हम इनपुट करने के लिए यूजर को मैसेज दे दिया और उसको हम getLine फंक्शन यूज करेंगे, getLine sin str, str में हम उस लाइन ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक इंटीजर टाइप वैल्यू ले लेते हैं i, ये हम क्या किए हैं फॉर लूप के लिए ले लिए, और एक जो लार्जेस्ट वर्ड होगा उसको स्टोर करने के लेंथ को स्टोर करने के लिए लार्जेस्ट, इसको हम 0 से स्टोर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे एक एक कैरेक्टर वर्ड को, वर्ड के लेंथ को, और स्टोर करेंगे इसमें, सिंपल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वर्ड के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं l, इक्वल टू हम कर देते हैं str डॉट लेंथ, लेंथ ऑफ वर्ड भी निकालिए। अब क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जो स्टार्टिंग टू लास्ट मेरा मूव होगा, सिंपल हेलो से, हेलो के h से स्टार्ट होगा और वेरिएबल के l तक मूव होगा और चेक करेगा स्पेस अगर नहीं है तब तक काउंट करेंगे वर्ड को और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, काउंट नहीं करेंगे हम, सिंपल लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कब तक स्टोर करेंगे, जब तक कि स्पेस नहीं आता है। जैसे ही स्पेस आएगा हम चेक करेंगे वो मेरा लार्जेस्ट वर्ड है अब तक का, अगर नहीं है तो देन हम आगे कंटिन्यू कब तक चेक करेंगे, जब तक मेरा लास्ट नहीं आता है। लास्ट आने के बाद हम चेक करेंगे जो मेरा लार्जेस्ट वर्ड है वो लार्जेस्ट में स्टोर कर देंगे और उसको प्रिंट करेंगे, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, लूप लगाना होगा, तो लूप लगा देते हैं हम फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एल आई प्लस 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 प्लस,
सिंपल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, इफ str i इक्वल टू स्पेस अगर है तो, अगर स्पेस है तो क्या करो आप, लार्जेस्ट वर्ड, सिंपल लार्जेस्ट वर्ड को हमें चेक करना होगा। सिंपल यहां एक कंडीशन लगाते हैं, इफ लार्जेस्ट लेस देन एस ए डॉट लेंथ, ऐसे को हम समझेंगे एल्स पार्ट जब आएगा तब, यहां पहले एल्स पार्ट ही कर लेते हैं तब सब क्लियर हो जाएगा। ये एल्स अगर स्पेस है तो ऊपर वाला मेरा चलेगा, अगर स्पेस नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करो, जब तक स्पेस नहीं आता है तब तक क्या करो आप, एस ए प्लस इक्वल टू कर दो एस टी आर, यानी एक ही कैरेक्टर को ऐड करते जाओ जब अगर स्पेस नहीं है तो। जैसे ही स्पेस आएगा उस कंडीशन में क्या करो, जो ऐसे में स्टोर हुआ है उसके लेंथ को कंपेयर करो लार्जेस्ट जो हम वेरिएबल रखे हैं उसमें। तो फर्स्ट टाइम हम लार्जेस्ट को जीरो से स्टोर किए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा ऐसे में स्टोर होगा हेलो, हेलो का जो लेंथ होगा वो फाइव, उसको कंपेयर करेंगे जीरो से, चूंकि जीरो मेरा क्या है छोटा है और हेलो का फाइव बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करना है, हमें लेंथ में हमें ऐसे डॉट लेंथ का, सॉरी लार्जेस्ट जो वेरिएबल है उसमें ऐसे डॉट लेंथ का लेंथ जो लेंथ आएगा उसको स्टोर कर देना है। तो सिंपल क्या करते हैं हम, लार्जेस्ट इक्वल टू क्या करो आप, ऐसे डॉट लेंथ स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद एक चीज और हमें करना है, मान लीजिए अगर हमें वर्ड प्रिंट करना है तो वर्ड को भी तो स्टोर करते जाना होगा, तो एस टी इक्वल टू कर दो आप एस टी, सिंपल जो लार्जेस्ट वर्ड होगा उसको भी एस टी में स्टोर करते जाओ। स्टोर करने के बाद सिंपल क्या करो आप, एस ए इक्वल टू ब्लैंक करो, ताकि नेक्स्ट जब वर्ड काउंटिंग हो मेरा, मेरा जैसे ही पूरा प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट जब स्पेस के बाद वर्ड काउंटिंग हो तो ऐसे ब्लैंक रहे, उसमें क्या हो एक एक वर्ड फिर से काउंट हो। सिंपल इसको लॉजिक को समझिए, जैसे ही मेरा हेलो काउंट हो गया तो जब स्पेस आएगा तो ऐसे में मेरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, फिर हाउ इसमें स्टोर होते जाएगा, क्लियर। फिर हाउ जैसे ही मेरा हो गया स्टोर हो गया, फिर हम जैसे ही स्पेस आया तो नेक्स्ट आर स्टोर करने के लिए क्या होगा, फिर से ऐसे ब्लैंक होगा और आर स्टोर होते जाएगा। इस कंडीशन में क्या, चूंकि हम ऐसे को ब्लैंक करते जा रहे हैं इसलिए हम एस टी में क्या कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट वर्ड मेरा फाउंड हो रहा है उसको स्टोर कर दे रहे हैं, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल प्रिंट करते हैं, यहां पूरा प्रोग्राम नहीं हुआ, इसमें आगे एक और स्टेप है उसको समझेंगे। सिंपल यहां पहले हम क्या करेंगे, सी आउट लार्जेस्ट वर्ड लेंथ इक्वल टू हम कर देते हैं लार्जेस्ट जो वेरिएबल दिए थे, सिंपल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करते हैं, हेलो How are you all? जो लार्जेस्ट वर्ड है मेरा हेलो, उसका लेंथ है मेरा फाइव, वो मेरा स्टोर हो गया। वर्ड को प्रिंट करना है तो वर्ड को सिंपल हम एस टी को प्रिंट कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ लेंथ प्रिंट कर देने के बाद वर्ड इक्वल टू हम कर देते हैं आप देखिए इसको फिर से एक बार हम चेक करेंगे, हेलो हाउ आर यू, तो जो लार्जेस्ट वर्ड है मेरा हेलो और लेंथ उसका क्या है मेरा फाइव है। यहां पे ये प्रोग्राम यहां तक तो सही लग रहा है,
ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में और एक मिसिंग है, उसको समझिए सिंपल। जब हम इसको रन करेंगे, हेलो हाउ आर यू और कंप्यूटर जैसे ही दिए, तो कंप्यूटर मेरा लार्जेस्ट वर्ड है पर मेरा हेलो दिखा रहा है और उसका लेंथ दिखा रहा है, जबकि एट आना चाहिए था लेंथ और कंप्यूटर प्रिंट होना चाहिए। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो चेंजिंग प्रोसेस है वो मेरा स्पेस पे डिपेंड करता है, और हम जब भी स्पेस आ रहा है तब प्रोग्राम को कर रहे हैं, क्लियर। जब हम कंप्यूटर लास्ट में दे रहे हैं, रिवाइवल हम चूंकि नहीं दिया, कंप्यूटर के बाद चूंकि स्पेस नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा क्या है, कंप्यूटर मेरा पूरा प्रोग्राम में आ ही नहीं रहा है। लास्ट वर्ड को लाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक लास्ट में एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ, क्योंकि ऐसे तो मेरा कंटिन्यूअस रन कर रहा है, ऐसे में स्टोर होते जाएगा कंप्यूटर, चूंकि स्टोर है, चूंकि स्पेस नहीं आ रहा इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लार्जेस्ट लेस देन लेंथ, अगर ऐसे में जो स्टोर है वर्ड उससे अगर लार्जेस्ट का वर्ड जो लेंथ है वो बड़ा है, यानी जो स्टोर है उसका वर्ड से लार्जेस्ट छोटा है, उस कंडीशन में क्या करो आप, लार्जेस्ट इक्वल टू कर दो ऐसे डॉट लेंथ और एसटी में स्टोर कर दो ऐसे। अब इसको चेक करिए फिर से, अब देखिए मेरा लार्जेस्ट वर्ड मेरा लेंथ है 8 और जो वर्ड है वो मेरा कंप्यूटर स्टोर हो गया, क्लियर। सिंपल लॉजिक है, हम क्या किए हैं, एक एक करके वर्ड को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते गए हैं और उसकी लेंथ को हम कंपेयर करते गए हैं, क्योंकि लास्ट में जब हम स्टोर कर रहे हैं, और कब हम वर्ड को सेपरेट कर रहे हैं, जब स्पेस आ रहा है, क्योंकि लास्ट में हम सिर्फ कंप्यूटर तक ही दिए हैं और कंप्यूटर के बाद चूंकि स्पेस नहीं दिए हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कंप्यूटर मेरा मिसिंग हो रहा है इसलिए, और ऐसे में मेरा क्या हुआ, वर्ड में मेरा स्टोर हो जा रहा है। उसको हम चेक करने के लिए सिंपल क्या किया, लास्ट में एक चेकिंग लगा दी है, अगर लास्ट स्पेस नहीं है उस कंडीशन में अगर मेरा बड़ा वर्ड लास्ट में रह जा रहा है उसको चेक कीजिए, अगर वो है तो देन उसको प्रिंट कर दीजिए, क्लियर। इसको अगर बीच में भी आप कहीं पे भी बड़ा वर्ड रखिए, सिंपल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मेरा प्रिंट हो रहा है, जो लार्जेस्ट वर्ड है मेरा प्रिंट हो रहा है। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।